हे नमस्कार दोस्तों, मैं आ रहे मेरा बहुत स्वागत है आपका एक और नए और ऐसे वीडियो में। तो वीडियो आगे पास में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर जो मैं चैनल को सपोर्ट करता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर। इस सीरीज़ में ऐसा है कि जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में हैशटैग स्केटरॉक करके, तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूँगा। यार ये जो वीडियो बन रही है ये बन रही है हमारे डार्क गेमर की रिक्वेस्ट पे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे कर सकते हैं 1 लाख पे स्केटिंग। तो यार डार्क गेमर अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको हेल्प करी या नहीं। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं आप 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट स्केट नाउ। तो यार 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग करने के लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा बैलेंस, एंड बैलेंस आता है हमारा हाफ बेंड से। तो ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प कर सकती है अपने बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग करने के लिए। तो यार जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम ऐसे प्रैक्टिस करनी है कुछ दिनों तक, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, बिकॉज यही सब आपको हेल्प करेंगी बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आप डायरेक्टली 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग कर पाएंगे। तो यार फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है कि आपके 1 लाख को आपको हवा में ले जाना है, एंड कोशिश करनी है कि वो थोड़ी देर तक हवा में ही रहे। इससे होगा क्या है, आप 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग करने के लिए बिल्कुल कम्फर्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आपको कोशिश करनी है बिकॉज इससे बैलेंस इम्प्रूव होगा। तो यार अब आपको इनलाइन स्केटिंग करते हुए अपने लेग को हवा में ले जाने की कोशिश करनी है कुछ इस तरीके से जिससे मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी है जब तक उसे कंफर्टेबल ना हो जाए, बिकॉज ये मेन चीज़ है जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा यार 1 लाख पे स्केटिंग करने में। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको दूसरे एंगल से, जैसे आप थोड़ा समझ जाए कि आपको किस तरीके से इसे प्रैक्टिस करना है। आने से यार आपको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करना जब तक आप इसे बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो जाए। और यार जिस लेग को आप उठा रहे हैं उसको आपको ग्राउंड से थोड़ी थोड़ी उसकी हाइट बढ़ाते हुए रहनी है, ताकि आप बिल्कुल 1 लेग पे इनलाइन स्केटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। तो यार हमने हाफ बेंड की भी प्रैक्टिस कर ली है, और रेस्ट पोजीशन पे लेग को हवा में उठाने की भी प्रैक्टिस कर ली है, और उसी के साथ मैंने इनलाइन स्केटिंग करते हुए भी हमने ये प्रैक्टिस कर लिया है। तो हम बिल्कुल रेडी हैं 1 लेग पे स्केटिंग करने के लिए। तो यार वो तीनों एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के बाद अब बिल्कुल रेडी हैं 1 लेग पे इनलाइन स्केटिंग करने के लिए। तो 1 लेग पे इनलाइन स्केटिंग कर आप ऐसे कुछ कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यार एक और चीज़, अगर आप 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग सीख गए हैं तो आप ये समझ जाओ कि आप आगे चल के स्लैलम भी बहुत ही आराम से सीख जाओगे, बिकॉज स्लैलम में हम 1 लाख पे ज़्यादातर इनलाइन स्केटिंग करते हैं। तो यार स्लैलम की भी जल्द वीडियोज़ आएंगी, बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल पर और सपोर्ट करते रहिएगा। तो यार मैं अभी आपको इतने अलग अलग तरीके से 1 लाख पे इनलाइन स्केटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यार आज के लिए इतने रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना क्योंकि शेयर ही जो मेरे चैनल को सपोर्ट करता है। और अगर यार आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू स्केट।